दोस्तों सभी सिम ऑपरेटर ने अपना फैसला तो सुना दिया है कि भैया 35 रुपए का रिचार्ज कराओ तभी आप सिम चला पाओगे, नहीं तो आप हमारी सिम मत चलाओ, आप चाहो तो बंद कर दो। और ऐसा बोल के मतलब उन लोग ने बस 35 रुपए का रिचार्ज करने को मजबूर कर दिया हर जनता को। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ 35 रुपए का रिचार्ज बिल्कुल मत कराइएगा, 1 रुपए का रिचार्ज मत कराइएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको क्या करना है कैसे करना है, बिल्कुल दिमाग से आपको गेम खेलना है। और दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा सबके साथ। और दोस्तों 1 रुपए का रिचार्ज मत कराइएगा, इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या करना है, तभी ये जो सिम ऑपरेटर्स हैं इनके जो दिमाग है इनके दिमाग में जो गर्मी चढ़ गई है वो ठंडी हो पाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान, चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों जब से जियो आया है तब से सारी टेलीकॉम ऑपरेटर नए पे नए प्लान देते कि अच्छे से अच्छा प्लान देते कि थक गए, क्योंकि यहाँ पे जियो का जो प्लान था वो सबसे ताकतवर था, सबसे अच्छा था और लोगों ने सबसे ज्यादा उसी को पसंद किया और आज भी कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे टेलीकॉम ऑपरेटर पगला के इन्होंने एक नया प्लान लेके आया है जो कि दोस्तों 35 रुपए का रिचार्ज कराना है। यानी कि जो सोए हुए जनता है जिनके पास हमारे उनके सिम के सिम रखी हुई है, आइडिया की हो, एयरटेल की हो, वोडाफोन हो, टाटा डोकोमो वगैरह वगैरह की जो सिम है वो अगर रखी हुई है वो चलाते नहीं है, सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए इसको यूज में लेते हैं या कभी एरर में यूज में लेते हैं और ज्यादातर जियो वगैरह को यूज में लेते हैं, तो उन लोगों को जगाने के लिए इन लोगों ने 35 रुपए का सबसे कम का प्लान लाया। यानी 35 रुपए का रिचार्ज कराओ तब जाके आपके मोबाइल में जो बैलेंस है तब उसको भी यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इनको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूं, मुद्दे में आता हूं। दोस्तों आप सबको बस मेरा साथ देना है, एक बार ये जो आपने मेरा साथ दे दिया, वीडियो को शेयर कर दिया सबके साथ और जो मैं कह रहा हूं वो कर लिया, तो पक्का मैं गारंटी देता हूं इस बात की जो टेलीकॉम ऑपरेटर है जिन्होंने ये प्लान लाया है वो खुद इस प्लान को वापस ले लेंगे, देख लेना इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बस आपको जो मैं कह रहा हूं बिना स्किप किए वीडियो देखना है वो करना है। दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपकी जो आइडिया की एयरटेल की वोडाफोन की जो भी मेन सिम है सबसे जगह जिसका नंबर फैला हुआ है बहुत पहले से जो सिम ली हुई है उस सिम को क्या करना है, उस सिम को जहां जहां भी लिंक किया था, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट में लिंक किया था, गैस की कॉपी में लिंक किया था, गैस कनेक्शन में लिंक किया था, या तो फिर आपने उसको किसी स्कूल में से लेके हर जगह लिंक किया था, आधार कार्ड में लिंक किया था, वोटर आईडी में लिंक किया था, तो उसको जियो की सिम में लिंक कर दीजिए। अभी आप जियो की सिम चला रहे हैं वहां पे लिंक कर दीजिए, या तो जो सी भी सिम चला रहे हैं इन चारों को छोड़ के, मतलब जिन जिन ने 35 रुपए का प्लान लाया उनको छोड़ के सिर्फ एक ही सिम अच्छी बच रही है वो है जियो, जियो में लिंक कर दीजिए और इसके बाद इनकी सिम को पटक दीजिए, इनकी सिम को बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इनकी सिम बंद हो जाएगी तब पूरा काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात निकल के आती है कि भैया हम बंद तो कर देंगे लेकिन हमारा जो नंबर है बहुत महत्वपूर्ण है, हमें वो नंबर ही चाहिए, हमारा नंबर खोना नहीं चाहिए, हमारा बहुत वो नंबर सब जगह फैला हुआ था, व्हाट्सएप से लेके हर चीज में उस नंबर से चलाता हूँ, वो नंबर नहीं जाना चाहिए। अरुण गुप्ता भाई तुम गलत बोल रहे हो। तो दोस्तों इसका दूसरा सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको क्या करना है, आपको ये करना है दोस्तों कि आपको पोर्ट करवा लेनी है वही नंबर अपने जियो के नंबर में। जी हाँ दोस्तों, जियो की सिम चला रहे हैं वहां पे आप पोर्ट करवा लीजिए, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यही है, पोर्ट करवा लीजिए, सारा काम का सॉल्यूशन हो जाएगा और उनकी जो ऑपरेटर्स में से आप जुड़े हुए हैं जिस भी सिम ऑपरेटर से जुड़े हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि भैया लोग हमें छोड़ के अब जा रहे हैं, ये दूसरा सॉल्यूशन है। दोस्तों अब यहाँ पे तीसरी बात आती है कि यहाँ पे आपके पास जियो की सिम भी नहीं है क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, आपके पास फीचर फोन है, आप बहुत मतलब छोटा सा फोन इस्तेमाल करते हैं और उस पर जियो की सिम लगती ही नहीं है, तो भैया आप क्या करें। दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन लेके आए हैं, बिल्कुल भी कहीं से इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों, जो BSNL है वो आपको 36 रुपए का प्लान दे रहा है, 36 रुपए में 6 महीने की वैलिडिटी। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने तक आप इनकी सिम को यूज कर सकते हैं 36 रुपए में सिर्फ, वो 35 रुपए में 28 दिन का दे रहे हैं, 36 रुपए में 6 महीने का दे रहे हैं। तो आप एक काम करिए अपनी सिम को, अगर नंबर चाहते हैं तो नंबर को ही पोर्ट करवा लीजिए BSNL में, या तो अगर नहीं चाहते हैं नंबर तो आप एक काम करिए BSNL की नई सिम ले लीजिए और इनकी जो सिम है आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह वगैरह इन सबको तोड़ के फेंक दीजिए। इनको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया भारत की जनता पागल नहीं है, कितना भी पागल बना लो भारत की जनता पागल बनने नहीं वाली है। बस आपको दोस्तों ये काम करना है, ये तीन काम अगर आपने कर दिया और आपन सब इकट्ठा हो गए तो दोस्तों आपन का काम बन जाएगा, कोई भी कुछ भी कर ले फिर उनको ये प्लान जो है वापस लेना ही पड़ेगा, अगर उनको आपन को जोड़ के रखना है तो उनको ये प्लान वापस लेना ही पड़ेगा। दोस्तों बस आपको इतना करना है, इस वीडियो को शेयर करना है सबके साथ और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कुछ भी आगे अपडेट आने वाला है मैं आपको जरूर बताऊंगा, जल्दी से जल्दी बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर
शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अपन सबको संगठित होकर कार्य करना है, तो दोस्तों जो मैंने कहा है इसको करिए, वीडियो को शेयर करिए, फैला दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जहां जहां फैला सकते हैं सब जगह फैला दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।